आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका पति बनेगा 100% गुलाम, आपका पति गुलाम हो जाएगा, आपका पति वही करेगा जो तुम चाहोगे, आपका के रिश्ते में वही होगा जो तुम्हारी इच्छा होगी। अब बहुत चल चुकी सबकी, अब सिर्फ तुम्हारी चलेगी। दो इलायची यहां रख करके देखिए, दो इलायचियां यहां रखा करिए लगातार कंटिन्यू, ताकि बंधन हमेशा के लिए बंध जाए। जानिए पूरा विश्लेषण कैसे अपने पति को, अपने रिश्ते को, अपने प्यार को 100% जीवन पर्यंत के लिए बांध के रखा जा सकता है। जानिए वो विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% आपको बड़ा बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन को बेहतर बनाने के हर संसाधनों पर काम किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको 100% महान बनाती है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यहां हर रिश्ते पर काम होता है। पति पत्नी का रिश्ता हो या लवर्स का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो या रिलेशनशिप की बात हो, बात बिटिया दामाद की हो या बेटे और बहू की, बात पेरेंट्स की हो, नंद देवरानी जिठानी इत्यादि किसी भी रिश्ते की बात हो, जहां पर भी समस्या है वहां समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी देती है। बिटिया बिगड़ गई हो या लड़का बात नहीं मानता हो, सिचुएशन कैसी भी हो, हर रिश्ते को बाखूबी निभा के, हर रिश्ते का एक अलग मुकाम बनाकर देने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी करती है। ऐसा हम लोग कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, और 20 साल में अभी तक सक्सेस हो चुके, सफल हो चुके लोगों की संख्या है 21 लाख। और इस सफलता का आयाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है, और यह सब निरंतर जारी है। कुछ दिनों से इस यात्रा को सोशल मीडिया पर भी चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया में केवल यूट्यूब पर अब हम 1 मिलियन कंप्लीट होने वाले हैं। हमारे परिवार में, हमारे सदस्यों में 1 लाख लोग जल्दी से बढ़कर हम 1 मिलियन होने वाले हैं। इस परिवार में हम जैसे ही 1 मिलियन करेंगे, आपको पता है, सेलिब्रेट करने वाले हम बड़े रूप में। और ये बात इतने पर ही समाप्त नहीं हो रही है। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लाभ इसलिए होता है क्योंकि इधर जितने सही लोग हैं उतने ही उधर से सही हैं। आप सब बहुत श्रद्धा, बड़े विश्वास के साथ, बहुत प्रेम और बड़ी तल्लीनता के साथ उपाय करते हो, इसलिए काम होते हैं। जिस भी क्लास में स्टूडेंट अच्छे हो, उस टीचर का नाम बड़ा हो जाता है, शायद यही कारण है। हम 4000 लोगों की टीम में रिसर्च करने वाले लोग हैं। हम गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, परिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च करते हैं, लेकिन ये सब बड़ी छोटी बात है। बड़ी बात ये है कि उस रिसर्च को तुम समझते हो और मानते हो, करते हो और सक्सेस हो रहे हो, तभी हम 95% प्लस कह पाते हैं। ये पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है। दुनिया में जितनी भी चीजें बेहतर हो रही है, तुम्ही तो कर रहे हो, करने वाले तो सब तुम ही हो ना, तो जरा समझ कर करना, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने में भी तुम ही काम आने वाले हो। आज हम कह रहे हैं कि 2 इलायचियां रखा करिए अपने पास, इस जगह 2 इलायची इस जगह रखने की आदत डालिए। आपका पति, आपका परमेश्वर, आपका जीवन, आपका साथी, आपका प्यार, आपका रिश्ता हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, गुलाम बन जाएगा। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। हम तो आदिकाल से ये सब कहते चले आ रहे हैं कि गुलाम तेरो बनवारी। एक रिश्ते में एक वो व्यक्ति होता है जो रिश्ता चलाता है, दूसरा वो व्यक्ति होता है जो रिश्ते को बांधे रखता है। एक वो व्यक्ति होता है जो प्यार बढ़ाता है, दूसरा वो होता है जो प्यार को बनाए रखता है। एक वो व्यक्ति होता है जो सब कुछ सुनता है, और दूसरा वो व्यक्ति होता है जो सब कुछ सुनाता रहता है। एक वो व्यक्ति होता है जो सहन करता है, दूसरा वो व्यक्ति होता है जो सामर्थ्य को बढ़ाता है। दोनों प्लस और माइनस चल पाते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस कभी नहीं चलता। रिश्तों को बनाए रखने में सहन शक्ति, क्षमता, सहजता, प्रेम, उद्गार और उदारता बराबर मात्रा में चाहिए। प्रेम तब बढ़ता है जब भगवान शंकर की तरह आप जीवन जिए।
कब बढ़ता है? प्रेम तब बढ़ता है जब आपका जीवन भगवान शिव की तरह हो। शिव की तरह कैसे? अपने बच्चों को अमृत देते हैं, बच्चों को मतलब अपने लोगों को अमृत देते हैं और स्वयं विषपान करते हैं, और विषपान करके भी अंदर नहीं ले जाते, क्योंकि हृदय में तो अपने लोग हैं, दिल तक नहीं ले जाते, कंठ में रख लेते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। वो भगवान शिव जिनको पिता नहीं बाबा कहा जाता है, केवल इस बात के लिए नहीं कि वो बहुत दयालु है, इस बात के लिए कि सर्वस्व जिसने दे दिया दूसरों को, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, पहाड़ पर बैठे हैं, कंदराओं में, हिमालय पर, खुले आसमान के नीचे बैठकर अपने लिए कुछ नहीं रखा जिसने, वो है भगवान शिव। लेना नहीं, जिसने देना सीखा है वो भगवान शिव है। मैं अगर मांगू तुझे, ध्यान से रखना, प्यार का सूत्र बता रहा हूं, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे। एक प्रेमिका अपने जीवन में ये उद्गार अगर लेकर के आए, क्या कि मैं अगर मांगू तुझे, एक तो मांगूंगी ही नहीं, फिर भी अगर बाई चांस कुछ मांग बैठू, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। ये भाव होना चाहिए। एक वो जो सर्वस्व देकर के ये सोचे मैं कुछ नहीं दे पाया, दूसरा वो जो सब कुछ नहीं पा करके भी, कुछ थोड़ा सा पा करके भी ये समझे कि मैंने बहुत कुछ पाया है। भगवान शिव के विवाह के समय का एक अच्छा उदाहरण बता रहा हूं। दाइज दियो बहु भांति पुनी, बहुत सारा दहेज देकर के भी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि कुछ दे नहीं पाया आपको, कृपा रखना, दया बनाए रखना। ये भाव चाहिए प्रेम में। एक सर्वस्व देकर के ये सोचे कि मैं कुछ दे नहीं पाया, दूसरा कुछ नहीं पा करके ये सोचे सर्वस्व मिल गया है। जब ये दोनों तरफ भाव बनेंगे, क्योंकि सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है, तब जाकर के प्रेम की व्यवस्था मजबूत होती है और प्रेम चल पड़ता है। इसमें गड़बड़ कब होता है? जब कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ते हैं। और समीकरण कैसे बिगड़ते हैं? वो बिगड़ते तब है जब हम दूसरों के साथ तालमेल बनाने के लिए दूसरों को उनके जैसे समझने लगते हैं, यानी हम मूल्यांकन करने लगते हैं, हम प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंद्वता में तोल मोल करने लग जाते हैं, इनमें ये अच्छा और इनमें ये बुरा, फलाना बहुत अच्छा, ढिमाका बहुत खराब। गलत बात। तुम्हारी दृष्टि में जैसे ही तुम्हारे व्यक्ति के अलावा दूसरा कोई तुम्हें ठीक दिख रहा है, मतलब प्यार नहीं है, झूठे हो तुम। बुरा लगे तो सुनना, तो भी बुरा लगे तो भी समझने की कोशिश करना। आज जैसे ही तुम्हें कोई दूसरा किसी भी रूप में अच्छा लगता है, तुम्हारे व्यक्ति से किसी भी रूप में किसी भी स्तर पर कभी भी तुम्हें श्रेष्ठ लगता है, बस वही समझ जाना तुम्हारे प्यार में और तुम्हारे समर्पण में बहुत कमी है अभी। बाबा तुलसी कहते हैं, जो प्रतिपाले वहाय नरेशु बसव जहां वह उत्तम देशु। हां, ये भाव होना चाहिए। जैसे ही नौकरी प्राइवेट कर रहे हैं, जीवन यहां से कट रहा है और सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मर जाओगे कुछ नहीं होने वाला साहब, गलत समझो तो भी कोई बात नहीं। अगर तुम सक्षम हो और तुम्हारी सच में उत्कृष्टता है और तुम बहुत शिक्षित हो और बहुत जानकार हो, सब छोड़कर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करो, बाकी कोई काम मत करो। जीवन तुम्हारा जहां से चल रहा है वहां अगर 100% दे दोगे तो सच मानो जो तुम पाना चाहते हो उससे भी ज्यादा मिलने वाला है। संपूर्णता नहीं आती ना, तभी तो गड़बड़ है। सक्सेस रेट विश्व का इसीलिए कम है, पूरे के पूरे विश्व का सक्सेस रेट इतना कम है कि अगर परसेंटेज सुनोगे तो हंसने का मन करेगा। 0.1% भी नहीं है, 0.1 का 0.1% मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं है सक्सेस रेट पूरे विश्व का। जरा समझना कि पूरी की पूरी दुनिया में कितने लोगों को तुम ऐसे जानते हो जिनका नाम पूरा विश्व जानता हो। टाटा अंबानी भी पूरे विश्व में नहीं आते, ध्यान से समझना। जिनको पूरे विश्व में, हर देश में, हर कोने कोने में जाना जाता है, ऐसे कितने लोग होंगे पूरे विश्व में?
कुछ 10-15-20-25 और जनसंख्या, सक्सेस रेट इतना कम, सिर्फ इस वजह से कि हम कर कुछ और रहे होते हैं और करना कुछ और चाह रहे होते हैं। बस हम साथ किसी और के हैं और सुंदर हमें कोई और लग रहा होता है, बेहतर कोई और लग रहा होता है। किसी का रूप रंग, किसी का पैसा, किसी का स्टेटस, किसी का गदकाठी, किसी की भाषा, किसी की बातचीत, किसी का पहनना ओढ़ना और किसी का जाने क्या 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 आपको लुभावता है। और ये लुभावनापन केवल एक स्तर तक नहीं है, ये अतिस्तर पर बढ़ जाता है। और आपके मन में क्या चलता है, ऐसा तो कुछ नहीं था, स्वाभाविकता आप काम कर रहे होते हैं, गलतियां कर रहे होते हैं और आपको मालूम नहीं पड़ता। अभी कल परसों की बात है, उदाहरण बता रहा हूं, ध्यान समझना। कोई मोहतरमा मुझे कह रही थी कि फलाने व्यक्ति की, पहले मुझे लगा कि फलाने व्यक्ति की शादी नहीं हुई, शादीशुदा नहीं है वो, पर बाद में पता चला वो शादीशुदा है, तो मुझे लगा अब क्या फायदा। जद्यपि वो मुझे मेरे पास किसी और व्यक्ति के लिए आए हैं, उसके बावजूद ये बात का क्या मतलब समझा जाए, जरा सोच कर देखना। और फिर भी उनकी तरफ से ये बात कह सुनने में आ रही थी कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ उसी को चाहती हूं जिसको चाहती हूं। कैसे इस बात पर पूरा विश्वास किया जाए, क्या तुम स्वयं कर पाओगे? नहीं, विश्व में मेरे व्यक्ति से ज्यादा मेरी जो भी है, मेरी पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, या मेरा पति, या मेरा प्रेमिका प्रेमी जो भी हो, मेरे व्यक्ति से ज्यादा कोई सुंदर और संपन्न हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। राधा को कृष्ण के अलावा श्रेष्ठ कभी कोई नहीं लगा, भगवान भी नहीं लगा, और कृष्ण को भी विश्व में कोई भगवान दूसरा दिखाई नहीं पड़ा राधे के अलावा। ईश्वर भी सेकंड था उन लोगों के लिए, इसे प्रेम कहते हैं। ईश्वर भी सेकंड, हा, बाकी तो सबकी क्या ही गणना की जाए। जब हमेशा यही तो समझाता हूं कि तराजू के पलरे में एक तरफ प्यार रखा जाए और दूसरी तरफ दुनिया की कोई भी चीज रख दी जाए और वो आपको बहुत छोटी लगे, प्यार बड़ा लगे, तो ही तुम सच्चे प्यार भी हो। प्यार को समझो तो सही पहले। तुम जिसे पाना चाहते हो उसके अंदर ही तुम्हें हजार कमियां लगती हैं, तुम्हें कैसे प्यार मिलेगा? तुम्हें अभी पूछा जाए तो कम से कम 1000 कमी निकालोगे, फिर भी तुम्हें वही चाहिए। दोनों चीजें कैसे संभव है? मनसा गति वाचस्पति सुफरमेव दस्यति। साहब, ये सर्प की तरह है, समझ कर चलना, आपको ही डस लेगा। इस मानसिकता से बाहर निकल कर के आइए, जब तक इसे आप बाहर नहीं निकलते तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। आज का उपाय उसी व्यवस्था पर आधारित है। ये दो इलायचियां यहां रखना शुरू कर दीजिए, ये दो इलायची आदत डालिए इसकी, क्योंकि ये अंतःकरण को रचने की व्यवस्था है। इलायची का स्वभाव पता क्या है? इलायची का स्वभाव है मुख की दुर्गंधी को समाप्त करके सुगंधि को बढ़ा देना, डबल काम, एक तरफ अंधकार मिटाना और दूसरी तरफ प्रकाश बढ़ाना, दो काम करता है दीपक। ऐसे ही इलायची दो काम करती है, दुर्गंधी समाप्त करती है, सुगंधि बढ़ाती है। जब भी किसी से बात करना हो थोड़ा मुंह में इलायची रखिए, फिर बात करके देखिए सामने वाले को और आपको दोनों को अच्छा लगेगा। पर आदत मत डाल लेना पान मसाले की तरह, पर मान इलायची खाते रहे किसी भी चीज की। अति संयुक्त वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते, अति सदैव वर्जते। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, किसी भी चीज को अत्याधिक करना अच्छा नहीं होता, एक लिमिट में करें तो सब चीज अच्छी है। दूसरी एक बात, मैंने हजार बार आपको समझाया होगा कि बच्चा रात्रि में 9 बजे के बाद जब बहुत आवश्यक कुछ हो तो ही कॉल पे बात करना, खास तौर से विपरीत लिंग के व्यक्ति, फीमेल से मेल, मेल से फीमेल, 9 बजे के बाद बहुत आवश्यक हो, ऐसा कुछ काम हो जो रात भर रुका नहीं जा सकता, सवेरे तक रुक गया तो पता नहीं क्या खास हो जाएगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे जिसका टाइम दोबारा लेना बहुत मुश्किल हो और किसी तरह से टाइम मिल गया है। जब तक कोई ऐसी बात नहीं हो जब तक कि सुबह तक रुक नहीं सकते, या कोई ऐसी बात ना हो जिसका दोबारा समय नहीं ले सकते, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं होना चाहिए रात में बात करने का। क्यों? क्योंकि ऐसा करके तुम अपना कार्मिक अकाउंट खराब कर लेते हो। जब तुम बहुत अंतरंग बातचीत करते हो किसी से, जब बहुत पर्सनल लेवल पर बात कर लेते हो तुम किसी से, तुम इसे दोस्ती समझते हो। अरे भाई, तुम महामूर्ख हो, दोस्ती नहीं, इसको चारित्रिक दोष बोलते हैं। अच्छी बात भी कर सकते हैं, आवश्यक है बहुत पर्सनल लेवल पर जाकर बात करना ही,
बेहतर बातें भी की जा सकती हैं, जीवन को उत्कृष्ट बनाने की बातचीत भी की जा सकती है, शिक्षा एजुकेशन की बातें भी की जा सकती हैं, कुछ जनरल नॉलेज पर बात की जा सकती है, एक सिंगल सब्जेक्ट छोड़कर बाकी विश्व में किसी बात पर बात किया जा सकता है, लेकिन रात्रि में कम करने की कोशिश करिए। रात्रि साधना काल है, इसमें जो भी कुछ गलत करोगे वो स्थिर हो जाएगा और बिल्कुल पाषाण और लौह की तरह मजबूत हो जाएगा और वो कभी कट नहीं पाएगा, इसलिए मना करता हूं। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, किंतु पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तुम दिन में कुछ भी गड़बड़ कर लेते हो, वो रात्रि की साधना काल है, तुम सो जाते हो, तुम्हारी आत्मा साधना करती है और सब ठीक हो जाता है, लेकिन जब तुम रात्रि में कुछ गलत करते हो तो सुबह उठने के बाद भी वो कटता नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो सावधान, अपना कार्मिक अकाउंट ठीक रखिए और अपने प्यार से बड़ा और श्रेष्ठ, बेहतर, सुंदर, अमीर, कुछ भी उससे अच्छा किसी को मत समझिए, उससे बड़ा कोई कुछ नहीं है। ये दो भाव अगर आपके अंदर व्याप्त हो गए तो आप जीत जाओगे। जीवन में सुगंधि शायद यही है सबसे बड़ी। आपको पता है, आप जब अच्छी बातें करते हो ना तो आपके लिप्स अपने आप में अभिमान करते हैं, कभी करके देखिएगा ये बात। जब आप बेहतर बातचीत करते हो तो आपके अंदर एक अलग सा रौब आता है। जब आपको बेहतर चीजें करने का मन करता है, जब आप कोई श्रेष्ठ काम करते हो तो अपने आप में एक एक ऊर्जा का निर्माण होता है और आपके आपका ऑरा बड़ा हो जाता है। किसी ने मुझे पूछा कि आपकी तपस्या में इतना बल कैसे आया, मैंने कहा मेरी 7 जन्मों की तपस्या एक जन्म की थोड़ी है। और दूसरा, मैं डेवन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही काम में लगा हूं, मैंने अपने प्यार को पाने की कभी कोशिश नहीं की। तुम्हारे प्यार को पाने की कोशिश करता हूं, तुम्हारे प्यार को दिलाने की कोशिश करता हूं, उस पर बात करता हूं मैं। जब आप समाज कल्याणार्थ कोई काम करते हैं तो हर दिन एक साधना है। अभी मैं 2 दिन पहले हनुमानगढ़ी था, अयोध्या में हमारे साथ कोई सज्जन थे, बोले प्रसाद नहीं लिया। मैंने कहा तुमने तो प्रसाद ही नहीं लिया, मैं तो नहाया भी नहीं हूं। क्यों? अपने बाप के घर जाते समय किसको ही स्नान करने की आवश्यकता पड़ती? मुझे तो नहीं पड़ती, असली मां बाप है मेरे, जिस हाल में हूं वैसे ही रखे नाम है, उन्हें इच्छा होगी तो बरसा देंगे ना पानी। 2-4 लोटा पानी डालकर के कौन ही शुद्ध हुआ है? दुनिया में सबसे ज्यादा स्नान करने वाली प्राणी का नाम बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। दुनिया में सबसे ज्यादा स्नान करने वाला प्राणी मछली है, पानी में ही रहती है और इतनी दुर्गंधी है उसमें कि आप सोच नहीं सकते। कभी मछली मार्केट से निकल कर देखिए, आपको असली औकात पता चल जाएगी उसकी। दिन रात पानी में रहता, जिसका जन्म से लेकर मृत्यु के पहले तक पानी में ही रहा, वो अपनी दुर्गंधी ना मिटा सका वो प्राणी। नहाने से कौन ही शुद्ध होता है? हा? एक बड़े संत हुए, बड़ी बढ़िया बात लगती है मुझे उनकी, मुझे जीवंत है वो बात, कि माला फेरू न जप करू सुमिरन करू न राम, मेरा सुमिरन वो करे मैं पावा विश्राम। मेरा मालिक भी तो मुझे कभी याद करता है, वो ईश्वर भी तो मेरे साथ होता है। मैं मनन करता हूं, मेरी हर श्वास में उसका असर है, मेरी हर श्वास में उसके लिए कुछ निकलता है, मेरी हर श्वास उसका नाम ले रही है, वे विश्वास है मुझे। मैं एक भी क्षण, एक भी पल आयाम नहीं लेता, कुछ न कुछ ईश्वरीय कार्य कर रहा हूं, तो मेरी तो साधना निरंतर चल रही है। खैर, बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, तुम्हें कुछ जीवंत करने की बातें बताने की तरफ बढ़ चला था। अब मैं फिर कह रहा हूं कि 2 इलायचियां रख करके तुम्हारे जीवन को सब कुछ सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है, 2 इलायचियों से तुम्हारा प्यार बांधा जा सकता है, 2 इलायचियों से तुम्हारा रिश्ता बनाया जा सकता है, तुम्हारे पति को, तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे लवर को, तुम्हारी प्रेमिका को, तुम्हारे प्रेमी को 100% बांधा जा सकता है। 2 इलायचियों का खर्चा है और पूरा सब कुछ ठीक। जान लीजिए वो संसाधन, वो व्यवस्था, वो तरीक, वो तकनीक, वो सिस्टम, वो व्यवस्था, वो नॉलेज, जिससे सब ठीक हो सकता है, बता रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का अनुभव ले रहा हूं, आपके बीच का अनुभव पूरी स्वीकृति के साथ, पूरी कंसर्न के साथ आपको सुना रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज।
नमस्ते गुरुजी। गुरुजी आज ही ना मेरे घर में बहुत कुछ बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हुआ। मैं नौकरी श्योर हो गई, जो चली गई थी जॉब वो भी आपकी कृपा से मिल गई। मम्मी घर वापस आ गया, भाई भी अभी ठीक ठाक है, इनफैक्ट मुझे न्यू जॉब भी लगा है। तो गुरुजी आपको मैं कितना भी धन्यवाद करूँ बहुत कम है। आप मेरे सिर्फ गुरु ही नहीं हो, मेरे बाबा भी हो। और आप जब से मेरे लाइफ में आए हो, मेरे लाइफ दिन का दिन बेटर से और ज़्यादा बहुत परिवर्तन हो रहा है गुरुजी। ये सब आपकी और आपकी टीम की वजह से। मेरे दिन में हर एक दिन नया नया चीज़ें होते जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो गुरुजी, बहुत बहुत ज़्यादा। आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर रखना गुरुजी, कृपा बनाए रखना। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। एकदम मैं तुम्हारा बाबा हूँ। मैं रोज तो कहता हूँ मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा गुरु हूँ। हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सच मानो, ये सब धन्यवाद तुम्हारे लिए ही है। तुम ही तो कर रहे हो सब कुछ, तुम ही सब ठीक करते हो। मैं तो तुम्हें जगाने का काम कर रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारा भरोसा सब ठीक कर रहा है। मैं तो बताता हूँ, तुम करते हो तभी ठीक होते हो। तुमने इतनी भीड़ में दुनिया भर के पाखंडी प्रपंचियों के बीच में मुझ जैसे व्यक्ति को चुना, इसके लिए धन्यवाद। तुमने मेरी बात मानी, इसके लिए अगेन धन्यवाद। तुमने फिर से मेरी बात समझी, अगेन धन्यवाद। और सब कुछ करके तुमने सबके सामने आकर के मुझे धन्यवाद किया, इसके लिए एक और धन्यवाद। धन्यवाद बहुत सारे तुम्हें, लाखों धन्यवाद तुम्हें कि तुम मुझे मानते और समझते हो। तुम मानते और समझते हो तभी तो 95% प्लस है। नहीं मानते होते तो मैं भी बाकियों की तरह 2-4-5% में अटका पड़ा होता। तो चलो अगेन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सीधे बात कर रहे हैं उपाय की, सोल्यूशन की। आज का सोल्यूशन 2 इलायचियों का है। सामग्री सिर्फ 2 इलायचियों की लगनी है। 2 इलायचियां यहाँ रखने की आदत डालिए। 2 इलायची यहाँ रखने का स्वभाव बनाइए, व्यक्तित्व बनाइए, ताकि जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए। 2 इलायचियां यहाँ रखने से आपके जीवन में हमेशा खुशियां आती हैं। 2 इलायचियां यहाँ रखने से जीवन में कभी कोई दुख और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आती। 2 इलायचियां यहाँ रखने से आपके जीवन में वो सब कुछ होने लगता है जो तुम चाहते हो। ये 2 इलायचियां कौन सी है, कैसे रखनी, कहाँ रखनी और कब चेंज करना है, क्या हमेशा ऐसे ही रखे रहने देना है, अगर ये सब जानना चाहते हो तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। आपको करना कुछ खास नहीं है। 1 इलायची लाल कपड़े में और 1 इलायची पीले कपड़े में बांध देनी है और दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखकर फिर से गांठ मार देनी है। और जो दूसरा सिरा बचा उसको बांध दीजिए, यानी एक छल्ला जैसा बन गया है। और इस छल्ले को किसी भी रात्रि में 1 रात्रि तक चूड़ी की तरह हाथ में पहन लीजिए, राइट में। स्त्री और पुरुष दोनों इसी में पहनेंगे, राइट में, बस किसी तरह से लटका के रात में रख दीजिए। उसके पश्चात इस पूरे के पूरे छल्ले को अपने उन कपड़ों के बीच में रखिए जिसे आप रोज पहनते हो। इस इलायची को, इस छल्ले को महीने में स्त्रियों को कम से कम 20-25 दिन के बाद और पुरुषों को 41 दिन के बाद चेंज करना चाहिए। दोबारा बना करके वैसा ही कर लेना चाहिए। सिर्फ इतना करने की आदत डालने से आपके जीवन में ये मणिबंध है, इसे सामान्य मत समझना। जो हस्तरेखा समझते हैं उन्हें बताइए मणिबंध है। इसीलिए यहाँ चूड़ा पहना जाता है, इसीलिए यहाँ चूड़ियाँ पहनते हैं। ये सौभाग्य का सूचक है और इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है, सुहाग की वृद्धि होती है, प्रेम की वृद्धि होती है, रिश्तों की वृद्धि होती है, बंधन में वृद्धि होती है और सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो बांध कर रख दो अपने प्यार को अपने कपड़ों के बीच में, जीवन भर बंधा रहने दो, कभी मत खोलना। ये प्यार का बंधन है, बंधे ही रहना चाहिए, है ना। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना और ठीक हो जाओ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्राणायाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, किसी भी तरह से दुखी नहीं होना। नेगेटिव होना 100% मना है। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना किसी को भी। पैसों का आदान प्रदान हर हाल में बंद करना है। ये सब चीजें तुम मानो मेरी, मैं वैसा ही कराऊंगा जो तुम्हारे लिए ठीक है। मेरी बात मानते हो तो तुम 95 प्लस में जाते हो, बात नहीं मान पाते तो अंडर 5 में जाते हो। कृपया मैं कहूंगा कि 95 की तरफ मुंह बढ़ाओ, ताकि हम उसको प्लस को 96-7-8 तक लेकर के जाएं और सब ठीक करा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। और एक खास बात,
किसी भी तरह से मेरा कोई भी पर्सनल नंबर चैटिंग पर हमारे यहाँ कोई लिखकर नहीं देता। तो अगर आपको चैट में कहीं पर भी कोई मेरा नंबर दे रहा है तो उसको विश्वास नहीं करना, पहली बात। दूसरा, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन यानी पैसों का लेन देन सतीश अवस्थी और एस्ट्रोटेल के अलावा दूसरे किसी भी अकाउंट में नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ध्यान से रखने की कोशिश करिए। बहुत अच्छे लोग भी हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं ना, जिनको मैं रोज गरियाता रहता हूँ, मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक, आपको पता ही है, क्षमा करना आप सब लोग भी मुझे, लेकिन क्या करूँ, मेरे बच्चों के आगे तो मैं किसी की नहीं सुनता। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।